ओके गाइस, तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मुझे ऐसा लगता है कि सभी लोगों को पता होनी चाहिए। नॉर्मली लोग जिस तरह से फेसबुक यूज़ करते थे, मैं भी ऐसे ही फेसबुक यूज़ कर रहा था, और ये चीज़ मैंने अभी नोटिस नहीं की है। बहुत पहले भी मैंने ये चीज़ नोटिस की थी, लेकिन मुझे लगा शायद चलो ऐसे ही होगा। बट रिसेंटली मैं दोबारा से फेसबुक यूज़ कर रहा था, तो यहाँ पर मैंने फीड में देखा कि यहाँ पर फेसबुक का एक ऑप्शन है मार्केट प्लेस, जहाँ पर आपको कई तरह के प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं और बहुत ही सस्ते सस्ते दामों में। तो यहाँ पर मैं शॉक्ड हो गया कि यहाँ पर मैंने जो प्रोडक्ट्स देखे, शायद आप भी शॉक्ड हो जाओगे और आप थोड़े से बोलेंगे अरे यार इतना सस्ता कैसे मिल रहा है, चलो खरीदते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि जो एप्पल आईफोन 11 प्रो मैक्स है वो आपको करीब 22,000 में मिल रहा था, और मैकबुक प्रो यहाँ पर आपको करीब 20,000 में मिल रहा था, और यहाँ पर आपको प्रीमियम वॉच, जो महंगे महंगे घड़ी होती है, वॉच होते हैं, वो आपको इतने सस्ते दामों में मिल रहा था। ये तो छोड़ो यार, यहाँ पर आपको कई सारे महंगे DSLR कैमरा, कई सारे यहाँ पर आपको स्मार्टफोन के एक्सेसरीज, जैसे कि यहाँ पर एयरपोड्स हो गया, एप्पल के जो आए थे एप्पल एयरपोड्स प्रो, वो भी आपको 2,000-2,500 में मिल रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो गया, मैंने बोला यार इतने सस्ते कैसे मिल सकते हैं। तो यार यहाँ पर हमेशा अपना दिमाग ज़रूर यूज़ करना, जब भी कोई आपको महंगा प्रोडक्ट बहुत ही सस्ते दामों में मिले ना, तो ये चीज़ हमेशा दिमाग में क्वेश्चन मार्क ज़रूर लाना, यार इतने सस्ते में क्यों मिल रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है। और हमेशा ध्यान रखना भैया, उसके पीछे कुछ ना कुछ झोल ज़रूर होगा। तो यहाँ पर फेसबुक में भी एक प्लेस है, मार्केट प्लेस, जहाँ पर कई सारे प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं। सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ही नहीं, और भी कई सारे प्रोडक्ट जैसे कि TV हो गया या फिर साड़ी हो गया, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बेची जाती है। बट यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की बात करने वाला हूँ, और यहाँ पर आपको इतने सस्ते दामों में मिल जाता है ना कि आप भैया एक्साइटेड हो जाते हैं, चलो यार खरीदते हैं, चलो मैसेज करके देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप उसे मैसेज करते हो, तो आपके पास एक ऑटोमेटिकली मैसेज आता है, जो ऑटो जनरेटेड मैसेज होता है वो आता है, और वहां पर आपको एक नंबर शो करता है कि बोलता है इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। लेकिन अगर आप उस नंबर पे फोन करोगे ना, तो एक्चुअल में अगर वो फ्रॉड होगा ना, तो उसके नंबर पे कॉल नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप उसे मैसेज करोगे ना, तो यस व्हाट्सएप मैसेज जरूर जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली उन्होंने एक फ्रॉड करने के लिए ही व्हाट्सएप मैसेज ओपन करके रखा होता है, वो बेसिकली कॉल नहीं उठाते, उनको कॉल लगता ही नहीं है। तो जैसे आप उन्हें मैसेज करोगे कि हाँ आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, तो वो बेसिकली स्टार्टिंग में करेंगे कि आपसे पूछेंगे आप कहाँ पे रहते हो, आप बता दो कि ये लोकेशन है, तो वहाँ पे आपसे बोलेगा आप कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, तो आप बोलोगे ये प्रोडक्ट है। बेसिकली उनके पास वो प्रोडक्ट होता नहीं है, बस वो लोग इमेज यूज़ करते हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पर उसी इमेज से आपको वो ललचाते हैं, आपको अट्रैक्ट करते हैं, और आप के साथ फ्रॉड करने की या फिर आपके पैसे लूटने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्टिंग में वो बेसिकली करते हैं कि हाँ आपसे बोलते हैं कि यार हमारा जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली आपको इतने परसेंट आपको एडवांस में पेमेंट देना पड़ेगा। जैसे कि अगर 20,000 का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर आपको 5,000 रुपये या फिर कहो उसका 50% पेमेंट आपको एडवांस में देना पड़ेगा। अब बहुत से लोग एडवांस में दे देते हैं, और उन्हें नॉर्मली वो रिसिप्ट काट के भी दे देंगे, या फिर ऐसी कोई फेक रिसिप्ट बना के बोलेंगे ये लो आपका पेमेंट आ गया, ये लो अब आप हमें यहाँ पर आके मिलो, हम आपको प्रोडक्ट दे देंगे। बट जैसे ही आप उसे पेमेंट कर देते हो, बस भैया उनका काम हो गया, उनको चाहिए था पैसे जो आपने दे दिए हैं, और एक बार उनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, उन्होंने पैसे ले लिया, उसके बाद आप उन्हें फ़ोन करोगे, फ़ोन नहीं लगेगा, मैसेज करोगे, खैर मैसेज तो नंबर बंद ही रहता है, आप उसमें फेसबुक में या फिर कह लो व्हाट्सएप में मैसेज करोगे, तो वहाँ पे तो नंबर भैया ब्लॉक ही कर देगा वो आपको, तो आप किस तरह के मैसेज कर पाओगे। तो आपका पैसा टोटल गया, तो आपके साथ एक ऑनलाइन स्कैम हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। और ये चीज़ यहाँ पर बहुत से लोगों ने फेसबुक को कंप्लेन भी किया है, और यहाँ पर फेसबुक कुछ नहीं कर सकता, बस वही है थोड़ी सी सावधानी यहाँ पर आपको बरतनी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर आप कोई सा भी प्रोडक्ट खरीदते हो फेसबुक मार्केट प्लेस से ऑनलाइन, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्मार्ट बनो, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा कि सारे जो वहाँ पर बेचने वाले होते हैं फ्रॉड होते हैं, नहीं ऐसे नहीं, कुछ जेन्युइन प्रोडक्ट्स भी आपको वहाँ पर मिलते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ तो देखा भैया, कोई प्रोडक्ट्स आपको 1 रुपये में मिल रहा है, कुछ प्रोडक्ट्स तो भैया आपको फ्री में भी मिल रहे हैं। मतलब फ्री में कौन प्रोडक्ट देगा, आप खुद सोचो, बाहर जाओ तो भैया 1 गिलास पानी नहीं मिलता, आपको फ्री में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो इससे पूरा पता ये साफ चलता है कि भैया ये एक तरह का स्कैम है, फ्रॉड है, इससे आपको दूर रहना चाहिए, बच के रहना चाहिए, थोड़ा स्मार्ट तरीका अपनाना चाहिए। अगर आपको कोई लगता है कि चलो ये प्रोडक्ट मुझे सही प्राइस में मिल रहा है, अगर आप इसे खरीदना चाहते हो, तो थोड़ा सा सावधानी बरतिए। जैसे कि आपने उससे कॉन्टैक्ट कर लिया, कॉल भी लग गया, मान लीजिए आप उससे बात करते हो, तो उससे बोलो भैया मेरे को प्रोडक्ट चाहिए और मैं कैश दूंगा, जब आप मेरे को प्रोडक्ट पकड़ाओगे, जब मैं प्रोडक्ट चेक करूंगा, तभी मैं कैश पेमेंट करूंगा, यानी कैश ऑन डिलीवरी। कभी भी अपने कार्ड्स की डिटेल, क्रेडिट कार्ड की डिटेल अगर वो आपसे मांगे मत देना, वरना फ्रॉड के शिकार हो जाएगा भैया, फिर बाद में बोलोगे यार मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया। नहीं, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, उससे सीधा बोलो भैया जब मेरे हाथ में प्रोडक्ट आएगा तब मैं पेमेंट करूंगा, मैं प्रोडक्ट चेक करूंगा, मुझे पसंद आया तो मैं पेमेंट करूंगा। या फिर आप उनसे कह सकते हो कि इस प्लेस में आ जाओ,
अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि वो आपको अपनी जगह पे भी बुला सकते हैं। देखो भैया, यहाँ पर जो स्कैमर होते हैं ना, वो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो बेसिकली आपको अपनी जगह पे बुलाएंगे और ऐसी सुनसान जगह पे बुलाएंगे। आप वहाँ पे चले जाओगे ना, तो वहाँ पर आप पैसे तो लेके जाओगे, ऑब्वियस सी बात है कि आपको भैया प्रोडक्ट खरीदना है, तो वो बोलेगा पैसे लेके आना। आप उस जगह पर चले जाओगे और वहाँ पर आपके साथ वही है, स्कैम हो सकता है। वहाँ पर आपको मारपीट के, पैसे छीन के वो भाग सकता है। तो ऐसे जो स्कैम से ये बेसिकली जो ऑनलाइन स्कैमर्स होते हैं ये अपनाते हैं, और यहाँ पर उनके जालों में आप इजीली आ जाओगे। वो आपसे इतने प्यार से बात कर सकता है, हो सकता है कि कॉल पे वो लड़की को रख दे, लड़की की आवाज़ में बात करे आपसे कि यहाँ पर आप आ जाओ, हम आपको प्रोडक्ट दे देंगे, या फिर आप अपना पेमेंट लेके आना। ऐसे स्कैम से मत पड़ना भैया। आप अपने हिसाब से एक पब्लिक प्लेस डिसाइड करना, मतलब जहाँ पे सभी लोग आते हैं, भीड़ भाड़ होती है, सभी लोग आते हैं, आप अपने प्लेस पे बुलाना। कोई पब्लिक प्लेस सेंटर जो दोनों का पास पड़े, पब्लिक प्लेस हो, ऐसी जगह पे मीटिंग करना जो भी आप प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हो। यहाँ पे किसी भी तरह की ऑनलाइन पेमेंट मत करना, एडवांस पेमेंट मत करना, जब तक प्रोडक्ट आप पास में ना देख लो, चेक ना कर लो ओरिजिनल है या नहीं, तब तक पेमेंट भैया उसके हाथ में गलती से भी मत देना। तो ऐसे ही बहुत सारे जो स्कैम्स होते हैं वो ऑनलाइन इंटरनेट की दुनिया में होते रहते हैं। जो फ़र्ज़ होता है मेरा आप लोगों को बताना और आप लोगों को इनसे अलर्ट रखना। अब बहुत से लोगों को देखो यार, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन 5 से 10,000 रुपये बहुत से लोगों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताते हैं। क्योंकि भैया देखो, इंटरनेट है, इंटरनेट में अच्छे लोग होते हैं तो बुरे लोग भी होते हैं। जहाँ पर इंटरनेट के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। जहाँ पर इंटरनेट में आपको काफ़ी चीज़ें डिस्काउंट में मिल जाती है, तो भैया काफ़ी चीज़ों से आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो बस यही चीज़ था, छोटा सा टॉपिक था, मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ बनाते हैं, शेयर करते हैं वीडियो। तो बस स्कैम से दूर रहना, ऑनलाइन स्कैम से दूर रहना, इंटरनेट की दुनिया में आप जो कुछ भी करते हो थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से यूज़ करना। जहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें ऐसे लगे, अटपटी लगे, पहले वहाँ पे 1,000 बार सोचो उस चीज़ में पेमेंट करने से के बाद, इस चीज़ में पेमेंट करने के लिए या फिर उस चीज़ की में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाना। तो बस यार, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँच सके। बस मिलता हूँ मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। गुड बाय।